गुड इवनिंग एवरीबडी एंड वेलकम टू चैनल डियर फ्रेंड्स वी आर लाइव अगेन तो वापस आ चुके हैं मेरे भाई आपके लिए एक और सेशन लेके एक पावर पैक सेशन लेके अबाउट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कल हम लोगों ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट किया था और आज उसी टॉपिक को खत्म करने वापस आ चुके हैं आपके सामने और आज के टॉपिक में काफी सारा मैथमेटिकल पार्ट होने वाला है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस होने वाला है और जितना हम लोग कवर करेंगे उसमें से क्वेश्चन ना बने ऐसा होना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल अगर आपको उतना आता है तो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे बेस सारे क्वेश्चन बना दोगे मेरे भाई तो आज पूरे ध्यान से लेक्चर देखना है एक एक चीज बेटा आपको समझनी है बहुत अच्छे से एक एक चीज का शॉर्टकट लॉन्ग ट्रिक कन्वेंशनल मेथड हर चीज सीखेंगे हर चीज सीखेंगे और हर चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को रिटेन करना है लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है लेकिन मेरे भाई अगर आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन से दिक्कत लगती है तो थोड़ी सी परेशानी होने वाली है क्योंकि आज का लेक्चर कंसेप्चुअल से ज्यादा मैथमेटिकल है लेकिन डेफिनेटली देखो बिना मैथमेटिकल चीजें पढ़े बिना न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़े आप न्यूमेरिकल तो लगा नहीं पाओगे और गेट में ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं न्यूमेरिकल इसीलिए आज का लेक्चर बाकी सभी लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी विल भी टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ठीक है तो अगर मेरे भाई मेरे साथ अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉग करने के लिए तैयार हो तो आ जाओ और सारे दोस्तों को बोल दो भैया लेक्चर आ चुका है जल्दी से जल्दी से सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए और जल्दी से सब लोग देखना स्टार्ट कर दें और एकदम आग लगाने वाले हैं एकदम मचाने वाले हैं हम लोग ठीक है चलो तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल फॉर माई फ्रेंड्स माई नेम इज अंकित गोयल आई गॉट ए आई आर वन टू इन गेट इन ट्वेंटी आई वॉज अवर्डेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल इन दर ट्वेंटी फ्रॉम आई टी इंदोर एंड टिलेट आई हैन लैक स्टूडेंट इन द ऑफलाइन क्लासेस फॉर गेट एंड ई एस सी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर गेट डिपार्टमेंट नाउ माइ डियर लेकिन बात यह है कि हम लोग, हम लोग क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई मैं आपको बार 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 रिमाइंड कराता रहता हूं कि जो रेवोल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट किया ना वो हम सबसे बड़ा है वो मुझसे बड़ा है विशाल सर से बड़ा है आपसे बड़ा है कामेश सर से बड़ा है सबसे बड़ा है ये रेवल्यूशन कि इसमें कोई भी टीचर जुड़े या कोई भी टीचर इस रेवोल्यूशन से अलग हो कोई भी बच्चा जुड़े कोई भी बच्चा इससे अलग हो लेकिन रेवोल्यूशन चलता रहना चाहिए ठीक है जो आग हम लोगों ने लगा दी है ना सबके दिलों में सबके दिमागों में ये बढ़ती रहनी चाहिए और ये जोश और जुनून जो क्रिएट किया है ना ये बढ़ते चले जाना चाहिए और पूरा इंजीनियरिंग एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे रेवोल्यूशनाइज कर देंगे एक एक बच्चे को टॉप लेवल की नॉलेज प्रोवाइडेड रहेगी कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता सर इंजीनियरिंग में कुछ नहीं सीखा क्योंकि मेरे भाई आप अब बोलोगे इंजीनियरिंग में सर सब कुछ सीखा सब कुछ सीखा ऐसा इंजीनियरिंग का लेवल कर देने वाले हैं और उसी वजह से मेरे भाई इतनी मेहनत में लगे हैं दिन रात आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और दिन रात दिन रात मेरे भाई आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहे हैं ठीक है चलो स्टार्ट करें फिर अब सबसे पहले देखो ये लिंक आप लोग याद कर लो मेरे भाई इलेक्ट्रिकल ई कि इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक मैं आपको दे रहा हूं सबसे पहली वीडियो बुक ये वीडियो बुक क्या होती है एक ऐसी बुक एक ऐसा पेज जिसके अंदर सारी वीडियो है तो जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे कवर कर रहे हैं ना उतना कंटेंट सब इधर प्रेजेंट है सारे पीडीएफ प्रेजेंट है नोट्स के और सारे लेक्चर के लिंक्स प्रेजेंट हैं तो मेरे भाई कोई पेड कोर्स कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते आपको इससे बेटर फ्री प्रोडक्ट कोई भी नहीं दे सकता ये मेरी गारंटी है आपको इससे बेहतर फ्री प्रोडक्ट नहीं मिल सकता दैट इज फॉर श्योर इसीलिए आप लोग क्या करेंगे इसीलिए आप लोग इस पेज पे सेव कर लो इसे बुकमार्क कर लो इसे रोज रीड करो इसे रोज पढ़ाई करो मेरे भाई ये आप लोगों के लिए ग्रंथ की तरह होना चाहिए ये आप लोगों के लिए एनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए दिस समथिंग दैट विल गेट यू टॉप रैंक इन गेट एंड ई और ये मेरा आपसे वादा है इससे बेहतर कंटेंट कोई नहीं दे सकता एंड दैट टू फॉर फ्री ठीक है अब देखो इसके अलावा अगर मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो मेरा अलग से है, इस पे जितनी भी मैंने क्या होती है? जो पे फ्री क्लास होती है, वो सारी है इसे देखने के लिए आपको क्या करना है लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, करना है और फिर इस यू को ब्राउजर में डाल के जो वीडियो आप मेरे थ्रू देखना चाहते हो देख सकते हो काफी सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर किया है मैंने जैसे कि नेटवर्क पावर सिस्टम सिग्नल ये बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन की मैंने बहुत लेक्चर्स लिए हैं तो यहां से आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को एक स्टेप एक बूस्ट दे सकते हो अब देखो मेरे भाई अगर आप लोग भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा हो जितना हम कर रहे हैं अन लर्निंग ऐप पे यूट्यूब पे तो मेरे भाई लाइक तो बनता है लाइक तो बनता है और शेयर तो भाई शेयर तो कंपलसरी है आप लोगों को गर्व होना चाहिए आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए दैट यू यू आर आर अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन एंड द फर्स्ट बैच ऑफ दिस रेवोल्यूशन और अगर ये प्राउड फीलिंग है ना मेरे भाई तो शेयर करने में घबराया मत करो शेयर इतना कर दिया करो ना जगह जगह आग लगा दिया करो कि भैया वी आर द पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इन द गेट एंड ई एस एजुकेशन इस चीज को ना आप लोग एज अ प्राउड फीलिंग लो इस चीज को आप लोग शोकेस करो कि भाई हम उस रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं एंड वी आर प्राउड टू बी एंड वी आर प्राउड टू बी और ये चीजें कब शो होती है मुझे कब पता चलेगा आपको प्राउड फीलिंग आती है जब आप जगह जगह सोशल मीडिया पे शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो फेसबुक पे स्टोरी लगाते हो और मुझे टैग करोगे तो मुझे समझ आएगा कि भाई बच्चे खुश हैं जो चीजें हम लोग कर रहे हैं उनसे आप लोग काफी सेटिस्फाइड हो अब देखो अगर प्लस पे आते हो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल प्लस पे आना चाहिए क्योंकि प्लस क्या है देखो जैसे यहां हम लोग भीड़ में पढ़ा रहे हैं प्लस पे आपको लगेगा आप मेरे साथ वन टू वन पढ़ रहे हो मैं एक एक बच्चे को अलग से पढ़ा रहा हूं ऐसी फीलिंग आएगी प्लस पे और सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं उसके अलावा काफी सारी चीजें मिलेंगी मैं और मेरे जैसे सारे टॉप एजुकेटर्स एक जगह पे मिलेंगे इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जिससे आप होमवर्क करोगे हर संडे टेस्ट होगा आपकी प्रिपरेशन टेस्ट हो जाएगी ठीक है इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन बैंक मिलेगा और क्वेश्चन बैंक में अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिलेगी अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिलेगी इसके अलावा आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग क्रैश कोर्स ये सारी सर्विसेज जब आपको एक साथ मिलती है ना मेरे भाई और आपका एक एक क्वेश्चन आंसर किया जाता है तो तैयारी का जो लेवल होता है ना और जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल अनमैच्ड होती है यूट्यूब से भी रैंक ला सकते हो लेकिन यूट्यूब से वो बच्चा रैंक ला पाएगा जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है लेकिन जिस बच्चे को ज्यादा हैंड होल्डिंग ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है उसको बिल्कुल प्लस पे आना चाहिए और आइकॉनिक इसका बड़ा भाई है आइकॉनिक में प्लस वाले सारे बेनिफिट है बट एक पर्सनल कोच है जो आपके साथ वन टू वन सेशन करके आपकी स्ट्रैटेजी बनवाएगा अगेन आपको पर्सनलाइज वे में गाइड करेगा स्टडी प्लानर बनवाएगा स्टडी मटेरियल अलग से मिलेगा स्टडी मटेरियल में थ्योरी और क्वेश्चन बैंक होगा मेंस का क्यू एंड ए प्रैक्टिस मिलेगा इंटरव्यू गाइडेंस आने वाला है ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आइकॉनिक के अंदर ठीक है चलो शुरू करते हैं शुरू करें भाई सब लोग रेडी के नहीं है जल्दी से बता दो अगर रेडी हो तो चैट में लिख दो लेट्स क्रैक लेट्स क्रैक लिख दो सारे लोग अगर रेडी हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे जल्दी से लिख दो लेट्स क्रैकेट ठीक है जल्दी से लिख दो चलो 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 कम ऑन एवरीबडी वा. इसमें भी मेहनत बचा रहे एक लड़का लिख रहा है एल सी आई मतलब मेहनत ना लग जाए मेरे भाई ठीक है चलो कोई नहीं सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक कवर क्या किया है हम लोगों ने कल कवर किया था एबीसीडी पैरामीटर्स ठीक है फिर मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन का एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया था वी एस बाई ए माइनस वी आर बाई वी आर ये देखा था लाइन चार्जिंग करंट निकाला था सी बाई एस सी बाई ए वी एस शॉर्ट लाइन के पैरामीटर्स निकाले थे तो यहां पे शॉर्ट लाइन के पैरामीटर्स क्या आए थे मेरे भाई देखो हमने निकाला था ना ए बी सी डी पैरामीटर ये आए थे वन Z जीरो वन फिर हमने याद है वी एस की इक्वेशन भी निकाली थी वी एस की इक्वेशन क्या आई थी याद करो वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इन टू आर स्क्वायर वी आर साइन फाई आर और ये आर और एक्स क्या थे ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस थे है ना ठीक है भाई फिर हमने निकाला था टेन फाइ एस और देखो मेरे भाई अब तो अन अकेडमी के अंदर जो है ना आपका डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन भी आ गया है तो अगर आप गेट 2022 और ई एस टारगेट कर रहे हो तो बिल्कुल अन अकेडमी पे आ जाओ बेहिचक डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन लेके आ जाओ गेट और ई एस और ट्वेंटी दोनों दे पाओगे और कोड मेरे भाई याद रखना जल्दी से बता दो कोड क्या है अब मैं आपको कोड दिखाता नहीं रहता हूं बार बार आप लोग बताया करो कोड क्या है कोड क्या लगाना पड़ेगा अगर आपको अन अकेडमी पे आना है तो कोड क्या लगाना पड़ेगा जल्दी बताओ चलो अब इतने इन मीन टाइम में स्टार्ट करता हूं वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं ठीक है अब देखो हम लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था क्या होता है पहले ना मैं आपको जनरल बता देता हूं ध्यान देना मॉड वी एस ये था ना जनरल फॉर्मूला और बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी लोगों ने कोड आपको लगाना है अंकित ईएससी जिससे इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी मिलेगी अंकित ईएससी ट्वेंटी नहीं है इसके आगे कहा ट्वेंटी व्वेंटी जोड़ रहे हो अंकित ईएससी बस बिना स्पेस के अंकित ईएससी बिना किसी स्पेस के ठीक है सही कोड याद रखा करो ट्वेंटी वगैरह नहीं है मेरे कोड में मेरे भाई चलो ट्वेंटी वगैरह में ना दूसरे टीचर की गाइडेंस में चले जाओगे फिर कहोगे सर आप कहां रह गए चलो अब देखो अभी हमने ये देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन का जो ए पैरामीटर होता है वो वन होता है तो मैं कहता हूं कि शॉर्ट लाइन के लिए क्या होता है फॉर शॉर्ट लाइन शॉर्ट लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन हो जाती है मोड वी एस माइनस मॉड वी आर बाय मोड वी आर पता है आपको एक बार इस पर क्वेश्चन भी आया है एक बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन में यह था कि यह वोल्टेज रेगुलेशन दे दिया अब ये वोल्टेज रेगुलेशन कहां वैलिड है कहां वैलिड है मेरे भाई ये वैलिड है सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ठीक है ऐसी गलती मत कर देना कि इसको कहीं भी लगा दो ऐसा मत करना यह मीडियम और लॉन्ग में नहीं चलेगा क्योंकि मीडियम और लॉन्ग में ए की वैल्यू बदल जाएगी ए की वैल्यू बदल जाएगी ठीक है तो यहां पे ए की वैल्यू वन डालोगे तो ये आ जाएगा मॉड वी एस माइनस मॉड वी आर बाय मॉड वी आर अगेन याद रखना है ओनली एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ठीक है गलती से सभी पे मत लगा देना सिर्फ शॉर्ट में चलेगा ठीक है चलो आगे चलें कंटिन्यू करें अब देखो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही है वोल्टेज रेगुलेशन अरे मेरे भाई एनालॉग आज आ तो गया है दो बच्चे देख भी चुके हैं एनालॉग का लेक्चर तुम कहां घूम रहे हो अभी तक सुनो मेरी बात अब अब देखो बात पे ध्यान देना जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एक आइडियल कंडीशन है कि कोई भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो वोल्टेज शुड रिमेन सेम विद रेस्पेक्ट टू द लोड विद रेस्पेक्ट टू द लोड कि वोल्टेज में लोड कितना भी वेरी कर लो वोल्टेज फ्लैट आनी चाहिए वोल्टेज फिक्स आनी चाहिए और वो होता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अब ये जो जीरो वी है ना ये आता है लीडिंग पावर फैक्टर पे जीरो वी आर और जिन लोगों ने देखो सेंक्रोनस पढ़ा है ना वो अभी और रिलेट कर पाएंगे जिन लोगों ने सेंक्रोनस पढ़ा है वो और अच्छे से समझ पाएंगे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट ठीक है अब देखो मेरे भाई एनालॉग डिलीट वगैरह नहीं हुआ है दो लेक्चर आज आ चुके हैं थोड़ा सा रिसर्च किया करो ठीक है अब ध्यान दो लीडिंग पावर फैक्टर में मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था बेटा कि फाइव की जगह माइनस फाइव रख लेंगे फाइव की जगह माइनस फाइव रख लेंगे तो फाइव की जगह जब माइनस फाइव रखोगे बन जाएगा ना साइन वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी खुद से सोचो से सोचो मेरे भाई ठीक है साइन वाली टर्म आपकी जीरो वाली वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। वाली टर्म नेगेटिव नेगेटिव हो हो जाएगी जाएगी ठीक है चलो मैं एक बार लेक्चर के बाद चेक कर लूंगा एनालॉग के साथ क्या इश्यू हुआ है आपको बता दिया जाएगा लेकिन एनालॉग आ जाएगा एनालॉग इज रेडी है ना इतना टेंशन मत लो अब ध्यान दो अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात की जाए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करें मेरे भाई तो कंडीशन क्या होगी कंडीशन यह होनी चाहिए आपकी कि वी एस मस्ट बी इक्वल टू वी आर मॉड वी एस इज इक्वल टू मॉड वी आर है ना अगर ऐसी कंडीशन लगानी है मेरे भाई तो यहां पे ना स्क्वायर कर लो यहां पे स्क्वायर कर लो अब देखो यहां से टर्म बनेगी वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव यहां से बनेगी वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ठीक है मेरे भाई लीडिंग पे जीरो क्यों होता है सिंपल सा लॉजिक सोचो अगर वी आर कॉस फाइव में कुछ ऐड हुआ वी आर साइन फाइव में भी कुछ ऐड हुआ तो वी आर वी एस के बराबर कैसे आ जाएगा ऑब्वियसली वी एस विल बी ग्रेटर देन वी आर लॉजिकली सोचो ना दोनों जगह अगर कुछ ऐड ऐड कर दोगे तो वैल्यू कैसे आपकी वीएस के बराबर आ जाएगी वीएस की वैल्यू वी से बड़ी ही आएगी तो एक जगह एडिशन तो एक जगह सब्ट्रैक्शन तब दोनों तरफ आपकी वैल्यू इक्वल आ सकती है ठीक है चलो ये क्लियर हुआ अब देखो मैंने क्या किया आई स्क्वायर वाली टर्म भी ले ली है अब देखो पहली टर्म बनेगी आर कॉस फाई आर और दूसरी माइनस एक्स साइन फाई आर क्योंकि एक टू ए बी बनेगी एक माइनस टू ए बी बनेगी एक टू ए बी और एक माइनस टू ए बी ठीक है अब देखो अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है बंधु अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है तो ये टर्म कट जाएंगी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी अगर ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई मेरे भाई तो क्या मिलेगा देखो मैं ना एक इंपिडेंस ट्राइंगल आपके लिए बनाता हूं पहले इंपिडेंस ट्राइंगल का बेस होता है आर हाइट होती है एक्स इंपीडेंस होती है जेड और ये होता है थीटा थीटा ये इंपिडेंस ट्राइंगल किसके लिए ये है इंपीडेंस ट्राइंगल फॉर ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रांसमिशन लाइन ठीक है अगर ये इंपिडेंस ट्राइंगल ट्रांसमिशन लाइन के लिए है तो आर क्या होगा जेड कॉस फाइव सॉरी जेड कॉस थीटा और एक्स क्या होगा जेड साइन थीटा साथ साथ ये भी सोचो मेरे भाई ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना ये जेड स्क्वायर बन गया ये क्या बन गया जेड स्क्वायर ठीक है और यहां आर की जगह रखो जेड कॉस थीटा एक्स की जगह जेड साइन थीटा जेड कॉस थीटा कॉस फाइआर प्लस जेड साइन थीटा साइन r यह बताओ मजा आ रहा है सभी लोगों को समझ आ रहा है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ आ रहा है ना जितनी चीजें आप लोगों को डिफिकल्ट लगती थी वो एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं ठीक है अब काफी बच्चे ये कह रहे हैं सर नहीं समझ आ रहा रेगुलेशन जीरो कैसे हुआ लीडिंग पे ध्यान से देखो वी आर बन गया अब अगर इसमें सारी टर्म एडिशन की होंगी मेरे भाई अगर सारी टर्म एडिशन की होंगी तो कैसे वी एस और वी आर बराबर हो सकते हैं इधर वी आर स्क्वायर प्लस समथिंग चल रहा है और इधर वी एस है कैसे बराबर हो जाएंगे अगर सारे एडिशन में तो यानी कुछ टर्म ऐड होनी चाहिए कुछ सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए ताकि नेट राइट एंड साइड पे क्या आ जाए वी लिए तो तो जीरो और वो हो सकता है सिर्फ लीडिंग में लैगिंग में ए प्लस बी सी प्लस डी बनता ए प्लस बी और सी प्लस डी बनता अगर मेरे भाई तो ये वी एस और वी आर बराबर कैसे हो जाते नेट साइड का ज्यादा आ जाता ठीक है अब देखो यहां से z ना कॉमन निकाल लो ये जो सेकेंड टर्म है इसमें से z कॉमन निकाल लो क्या बचेगा देखो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव मैंने cos थीटा अच्छा ये माइनस था देखो ये गलती हो गई ना यहां माइनस था तो कॉस थीटा प्लस फाइव आर अभी ना देखो इन एंगल्स का सिग्निफिकेंस भी समझाता हूं पहले मेरी बात पे ध्यान देना माइनस आई आर स्क्वायर जेड स्क्वायर देखो बच्चे आपको एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं इसीलिए ध्यान देते चलो ठीक है तो देखो कॉस थीटा प्लस आई आर ज माइनस आई आर जेड ठीक है अब देखो बात का मतलब समझना यहां पे जो फाईआर है ना ये क्या चीज है फाईआर है लोड का पावर फैक्टर एंगल फाई आर है लोड का पावर फैक्टर एंगल लोड का पावर फैक्टर एंगल।, एंगल का मतलब क्या होता है जैसे मान लो आर एल लोड लगा दिया तो टेन इनवर्स एक्स बाय आर ऑफ द लोड टैन इनवर्स एक्स बाई आर ऑफ द लोड इज फाइ आर तो फाइ आर इज द लोड पावर फैक्टर एंगल है ना जैसे इंडक्शन मोटर लगी है अगर तो लैगिंग ही होगा लेकिन लोड का इसमें लाइन का कोई रोल नहीं है फाइ आर के अंदर लाइन में आर है एल है सी ए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या देखना है रिसीविंग एंड पे लोड क्या लगा है रिसीविंग एंड पे देखो जैसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है शॉर्ट लाइन बात को समझना यहां पे देखो ये R है ये X है तो ये जो लोड लगाए ना मेरे भाई इसका एंगल होता है फाइवर और ये जो इंपीडेंस लगी है इसका एंगल होता है थीटा जो लोड की इंपीडेंस है, है? है तो ये कंडीशन याद रखनी और देखो यही सेम कंडीशन आती है सिंक्रोनस मशीन में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की तो जितने बच्चों ने मेरे लेक्चर कवर किया है उनको पता होगा कि सेम कंडीशन आई थी बस यहां लिखा था आई जेड बाई टू वी टी वीटी लिखा था टर्मिनल वोल्टेज जो यहां बन जाता है रिसीविंग एंड वोल्टेज अब आते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पे अब आपका वोल्टेज रेगुलेशन कितना है शॉर्ट लाइन का बेटा आप जानते हो मॉड वी एस माइनस मॉड वी आर बाय मॉड वी आर है ना ये जानते हो अब इसके अंदर अब इसके अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको यहां पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए अरे भाई अभी तो बताया फाइआर लोड का है और थीटा लाइन का है, अब तुम कह रहे हो लाइन का होगा कितना कंफ्यूज रहोगे मेरे भाई क्लियर तो लिखा है फाइआर इज द लोड एंगल अब देखो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ठीक है मॉड वी एस माइनस मॉड वी आर शुड बी मैक्सिमम सही बात है ना इसमें तो कोई शक नहीं है यह डिफरेंस मैक्सिमम आना चाहिए और मैं तो ये कहता हूं कि डिफ्रेंस मैक्सिमम होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे क्यों भैया क्योंकि सारी टर्म एड हो जाती है तो डिफरेंस ज्यादा आता है वैल्यूज में भाई हर जगह प्लस साइन होगा तो वैल्यू ओवरऑल ज्यादा मिलेगी ज्यादा वैल्यू मिलेगी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा ज्यादा डिफरेंस मिलेगा ज्यादा रेगुलेशन बनेगा तो ऑकर्स एट लैगिंग पावर फैक्टर अब मैं इसमें क्या कहता हूं कि इफ मॉड वी एस माइनस मॉड वी आर इज मैक्सिमम अगर ये डिफरेंस मैक्सिमम है तो बंधु इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस भी मैक्सिमम होना चाहिए देन मॉड वी एस स्क्वायर माइनस मॉड वी आर स्क्वायर should also be maximum should also be maximum ठीक है mod vs square minus mod vr square भी maximum बनना चाहिए ये भी maximum बनना चाहिए तो अब मैं कहता हूं mod vs कितना था आपका ठीक है lagging में यही था ना अब मैं दोनों साइड ने स्क्वायर कर लेता हूं मेरे भाई स्क्वायर कर लो देखो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म तो बना ली अब टू ए बी वाली बना लेते हैं टू ए बी वाली बना लेते हैं देखो आर कॉस फाइवर प्लस एक्स साइन फाई आर ठीक है ये बन गई आर कॉस फाइ आर और प्लस एक्स साइन फाइ आर ठीक है एक्स साइन फाइ आर अब देखो इसमें हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई प्रैक्टिकली लीडिंग लोड नहीं होता वो अलग बात है कि आप लोड में बस एक सिंक्रोनस मोटर लगा दो सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है अब देखो मैं आर को फिर से लिख रहा हूं जेड कॉस थीटा जेड कॉस थीटा मैंने आर को फिर से जेड कॉस थीटा लिख दिया और एक्स को मैं फिर से लिख दूंगा साइन थीटा ये लिख दिया मैंने अब इतना लिखने के बाद मेरे भाई मैं क्या करता हूं कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव को सिंप्लीफाई कर देता हूं मुझे देखो ये डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है ना वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर तो अभी मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूं पहले मैं सिंप्लीफाई कर लू जेड कॉस थीटा माइनस फाइव आर ठीक है ये इतना हमने बना लिया अब मैं कहता हूं कि इसका डेरिवेटिव जीरो कर दो मैक्सिमम के लिए अब आप कहोगे वैसे सर मैक्सिमम क्यों कर रहे हैं मैक्सिमम देखो वर्स्ट कंडीशन है और जीरो बेस्ट कंडीशन है तो हम वर्स्ट और बेस्ट दोनों कंडीशन को लेके चल रहे हैं तो अभी हम वर्स्ट की बात कर रहे हैं वर्स्ट की बात कर रहे हैं ठीक है तो पहली टर्म का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा दूसरी टर्म का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव बेटा आएगा साइन माइनस साइन आएगा ना लेकिन यहां भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस साइन समझ रहे हो फाइ आर में भी तो माइनस है वो भी तो बाहर निकालोगे चेन रूल से इसको जीरो कर दो अब साइन की वैल्यू जीरो होगी तो थीटा इक्वल टू फाई आर अब इस बात का क्या मतलब है इसका मतलब क्या हुआ एम्पिडेंस एंगल ऑफ लाइन एंपीडेंस एंगल ऑफ लाइन इज एक्चुअली इक्वल टू लोड पावर फैक्टर एंगल लोड पावर फैक्टर एंगल यानी लाइन का जो एम्पीडेंस था देखो यहां जो दिखाया था ये जो आर और एक्स का एंगल है वही आर एल और XL का भी एंगल बने यानी कि लोड का एंगल और ट्रांसमिशन लाइन का एंगल सेम आएगा देन वी गेट द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ये भी कंडीशन सेम है ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन दोनों में ये कंडीशन सेम आती है ठीक है सेम इन ट्रांसफॉर्मर और पता है खास बात यही कंडीशन सिंक्रोनस मशीन में भी आती है सोच के देखो शॉर्ट लाइन को तैयार करना क्यों आसान है शॉर्ट लाइन को क्यों आसान है तैयार करना क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर और कहीं ना कहीं सिंक्रोनस से काफी ज्यादा मैच करती है काफी ज्यादा चीजें कॉमन होती हैं ट्रांसफॉर्मर और सिंक्रोनस और शॉर्ट लाइन के अंदर और कंडीशन तीनों में आइडेंटिकल है यह कंडीशन तीनों में आइडेंटिकल है मेरे भाई ठीक है और मैक्सिमम आएगी कितनी यह भी अभी डिराइव कराऊंगा ठीक है मैं बता रहा हूं मैक्सिमम अभी हम डेराइव करेंगे फेजर डायग्राम से फेजर डायग्राम से डिराइव करेंगे अभी के लिए रुक जाना है ना चलो अब बात आती है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर की अब मैं आपको फेजर डायग्राम समझाने वाला हूं सेंडिंग एंड पावर फैक्टर के डायग्राम निकालने के लिए सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालने के लिए दो एंगल समझना बहुत जरूरी है देखो जैसा भी मैंने डायग्राम बनाया था ध्यान देना ये है ना वी एस देखो ये आर है ये एक्स है ये आर एल है और ये एक्स एल है ठीक है तो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है या ना इसको कई बार ऐसा भी लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स बाय आर ऑफ लोड और इंपिडेंस एंगल होता है लाइन का टेन इनवर्स एक्स बाय आर या कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स बाय आर ऑफ लाइन ठीक है लाइन में भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है और आपका लोड में भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है तो दो एंगल डिफाइंड होंगे एक लाइन के लिए और एक लोड के लिए अब बात है सर ये सब क्यों बता रहे हो मतलब इसका फेजर से क्या लेना देना या सेंडिंग एंड पावर फैक्टर से क्या लेना देना मेरे भाई सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है सोच रहे हो कौन छोटा है कौन बड़ा है इस पे डिपेंड करेगा आपका सेंडिंग एंड पावर फैक्टर प्रिंस बोल रहे हैं सर प्रैक्टिकली लोड पावर फैक्टर एंगल के बारे में बताओ देखो प्रिंस जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आप उस पे देखना पावर फैक्टर मेंशनड होता है तो हमारा जो पूरा घर है

तो मेरे भाई ज्यादातर लोड हमारे चारों तरफ जो है दे आर इंडक्टिव लोड ठीक है इंडक्टिव लोड तो जब हमारे घर में इंडक्टिव तो लोड है उससे क्या होता है कि आपका लैगिंग पावर फैक्टर आता है अच्छा चलो मैं एक बार चेक करता हूं इफ आई है इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट मी जस्ट चेक देखो पढ़ा तो है एक पढ़ा तो है मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें देखो सबसे पहले आता है आरआर नंबर दे रखा है अकाउंट आईडी एमआर कोड ठीक है अब कंजम्पशन डिटेल दी है प्रीवियस रीडिंग प्रेजेंट रीडिंग कंजम्पशन चार्जेस है ना कहां पे है देखो पावर फैक्टर पेनल्टी लिखा है यहां पे ना नीचे एडिशनल चार्जेस में पावर फैक्टर पेनल्टी लिखा है, दैट इज है जीरो पावर फैक्टर पेनल्टी क्या होती है कि अगर किसी के घर का बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड होगा यानी बहुत कम पावर फैक्टर आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले पावर फैक्टर पेनल्टी मारेंगे अब आप कहोगे सर ये पावर फैक्टर पेनल्टी क्यों आ गई पावर फैक्टर पेनल्टी इसलिए मेरे भाई अगर रिएक्टिव पावर हाई हो जाए तो क्या होता है ओवरऑल पावर बढ़ती है यानी करंट बढ़ता है बट वो करंट आपका यूजफुल वर्क में काम नहीं आ रहा है वो यूजफुल वर्क में काम नहीं आ रहा है वो करंट आपका वेस्ट हो रहा है समझ रहे हो वो करंट आपका वेस्ट हो रहा है बात को सोच के देखो करंट तो बढ़ गया लेकिन आपकी पावर तो नहीं बढ़ी यूजफुल पावर तो नहीं बढ़ी बड़ी कौन सी पावर है रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं कर सकते उसे कंज्यूम नहीं कर सकते तो हमारे लिए वो करंट जो बढ़ रहा है जो वायर के अंदर हीटिंग भी कर रहा होगा जनरेटर की कॉयल को भी गर्म कर रहा होगा तो वो करेंट वेस्ट ही तो कर रहा है फायदा क्या हो रहा है उससे ठीक है पावर फैक्टर मेरे भाई यहां तो मैंशन नहीं है आई थिंक प्रीवियसली मैंने किसी बिल के अंदर देखा था पावर फैक्टर के आगे ना इन्होंने जीरो पॉइंट जीरो मार दिया है लिखा है वैसे पावर फैक्टर देखो अच्छा बताता हूं कितनी अच्छी अच्छी टर्म्स लिखी हैं ये ना मैं आपको जनरेशन में पढ़ाऊंगा जब मैं जनरेशन कवर करूंगा ना तो ये सब कवर करूंगा देखो प्रेजेंट रीडिंग प्रीवियस रीडिंग कांस्टेंट कांस्टेंट तो मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं कंजम्पन फिर आ रहा है रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिमांड हम मैक्सिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट जनरेशन में पढ़ेंगे ठीक है फिर आ रहा है पावर फैक्टर और फिर आ रहा है कनेक्टेड लोड कनेक्टेड लोड भी मैं आपको बताऊंगा पावर सिस्टम के अंदर जब जनरेशन की बात करेंगे कि कनेक्टेड लोड क्या होगा ठीक है देखो ध्यान से देखना आप लोगों को दिख रहा है क्या मुझे बताना ये रीडिंग देखो ये रीडिंग नजर आ रही है पावर फैक्टर दिख रहा है इस वाले रीजन में यहां पे देखो ये वाले रीजन में पावर फैक्टर नजर आ रहा है ठीक है नहीं नजर आ रहा है। चलो जाने दो कोई बात नहीं ठीक है ब्लरी है तो जाने दो कोई बात नहीं पावर फैक्टर देखने की ऐसा जरूरत नहीं है आप नेट से डाउनलोड कर लेना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दिख जाएगा ठीक है चलो आगे चलें आगे चलें मेरे भाई अब देखो हमें क्या करना है हमें डायग्राम ड्रॉ करना है सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं सबसे पहले मैं एक केस ले रहा हूं केस वन में मैं ये ले रहा हूं कि लाइन का एक्स बाय आर रेशो लोड से बड़ा है अगर ऐसा हो गया मेरे भाई इसका मतलब है लाइन का एक्स बाय आर रेशो क्या बताता है थीटा और लोड का बताता है फाइ आर तो थीटा इज ग्रेटर देन फाई आर ठीक है थीटा इज ग्रेटर देन फाई आर बात समझ में आ रही है थीटा इज ग्रेटर देन फाइ आर अब देखो इसके अंदर ये आई आर हो गया ठीक है ये आई आर हो गया ये देखो वी आर हो गया और ये एंगल होता है phi आर अब इंपीडेंस का जो एंगल होता है ना थीटा इंपिडेंस का जो एंगल होता है वो आर और एक्स वाले या इंपिडेंस ट्राइंगल के अंदर होता है अब ध्यान देना मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे से इस पर फोकस करना अब मैं क्या कर रहा हूं देखो ये हो गया आई आर इंटू आर मैंने एक्स वाली लाइन लंबी क्यों बनाई है ना ये इसलिए लंबी बनाई है मेरे भाई कि मैं यहां पे आपको थीटा बड़ा दिखाना चाहता हूं देखो ये जो पर्पल वाली लाइन है दिस इज आई आर इन टू जेड और ये एंगल है थीटा अब ये देखो ये पर्पल वाली लाइन वी आर से ज्यादा टिल्टेड है ना पर्पल वाली लाइन ये वी आर वाली लाइन से ज्यादा टिल्टेड है तो ऑब्वियसली थीटा इज ग्रेटर देन फाई आर थीटा इज ग्रेटर देन फाई आर ठीक है अब देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं देखो ये बना देते हैं वी एस वी एस और ये एंगल हो जाता है फाई एस समझ में आया समझ में आया तो यहां से क्या मिला यहां से मिला कि इज ग्रेटर देन फाइ आर कॉस फाइ एस अगर एंगल बड़ा है तो कोसाइन तो छोटा आएगा ना लेस देन कॉस फाइ आर इसका मतलब क्या हुआ सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज बेटर देन रिसीविंग एंड फैक्टर और देखो अगर किसी को बेसिक से ये पढ़ना है ना पावर फैक्टर रियल पावर रिएक्टिव पावर तो एक बार मेरे दूसरे चैनल पे जाना इलेक्ट्रिकल जंक्शन वहां मैंने पूरी चार वीडियो की सीरीज बनाई है इसी बात पे. सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए चार वीडियोस क्रिएट किए हैं तो देखना जरूर ठीक है उसको देखना जरूर यह बात क्लियर हो गई यानी लाइन का एक्स r रेशियो बड़ा होने से सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर बेकार बनता है बेकार बनता है अब देखो मेरे भाई अगले केस पे चलता हूं अगले केस पे चलता हूं देखो आपको मजा आने वाला है इसमें अगर बराबर हो जाए सब लोगों को समझ आ रहा है एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे भाई ये बताओ समझ आ रही है एक एक बात अभी मैंने बराबर ले लिया तो फाइ आर और थीटा हो गए बराबर फाइ आर और थीटा हो गए बराबर अब देखो फेजर कैसे बनेगा फाइआर ठीक है अब देखो इसमें आई आर इन आर देखो अब ध्यान से अब आपको यह नजर आएगा मेरे भाई यहां से कि ये थीटा और फाइव आर बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए अच्छा बेटर लिख दिया है, Sorry. इसको वर्स वर्स, लिखेंगे, वर्स. ठीक है? अब देखो थीटा और फाइव बराबर हो गए ये लाइन हो गई आई आर जेड और ये टोटल वैल्यू हो गई वी एस अब यहां एक चीज पे ध्यान देना आप ऐसे लिखते हो Now, since Vr and Ir Z lie along same line, सेम लाइन ठीक है जब कभी दो फेजर या दो वेक्टर पैरेलल आते हैं दो फेजर या दो वेक्टर जब पैरेलल आते हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं मेरे भाई समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है ये बात जब कभी दो फेजर दो वेक्टर सेम फेज में होते हैं तो स्केलर एडिशन करते हैं स्केलर एडिशन अब आपको अगर वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए बंधु तो क्या है क्या है वोल्टेज रेगुलेशन ये है वोल्टेज रेगुलेशन ठीक है समझे और यही है मैक्सिमम रेगुलेशन क्योंकि मैक्सिमम रेगुलेशन की कंडीशन देखना जरा थीटा इक्वल टू फाइव और यहां देखो थीटा इक्वल टू फाइव आर तो मैक्सिमम रेगुलेशन ये आ जाती है क्योंकि दोनों सेम फेज में आ जाते हैं तो दे कैन बी डायरेक्टली एडेड दे कैन बी डायरेक्टली एडेड दिस इज द मैक्सिमम रेगुलेशन अब तीसरे केस पे आता हूं बंधु तीसरे केस में मैं कहता हूं x बाय आर ऑफ लाइन इज लेस देन x बाय आर ऑफ लोड देखो यहां ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा बस ध्यान से सुनना मजा आएगा दिमाग खुल जाएगा अगर लाइन का एंगल लोड से छोटा है माने थीटा इज लेस देन आर ऐसा ना ज्यादातर ये वाला जो केस है डिस्ट्रीब्यूटर में होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है रिएक्टेंस ज्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूटर की जो वायर होती है ना उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है रिएक्टेंस कम होती है तो उसका एक्स बायर छोटा आता है डिस्ट्रीब्यूटर का तो ये वाला केस अक्सर कहां देखा जाता है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और जो फीडर वायर होती है ना फीडर का रिएक्टेंस ज्यादा होता है वहां लॉसिस मिनिमाइज करने होते हैं तो वहां रेजिस्टेंस कम रखा जाता है और यहां रिएक्टेंस कम रहता है रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है अब ध्यान देना देखो ये आई आर है ये मेरा वी आर है कितने एंगल पे है फाइआर ठीक है अब देखो ये है आई आर इंटू आर इस बार ध्यान देना आर वाली लाइन लंबी बनाइए आई आर इंटू एक्स एक्स वाली छोटी बनाइए ये हो गया आई आर इंटू जेड अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो आपको क्लियर नजर आएगा कि थीटा फाइआर से छोटा है थीटा फाइआर से छोटा है देखो ना ये वी आर वाली लाइन ऐसे जाती सीधे उससे कम टिल्टेड है ये उससे कम टिल्टेड है तो मेरे भाई इसीलिए थीटा इज इस लेस देन फाई आर ठीक है अब यहां ध्यान देखना ध्यान से देखना मेरे भाई सब लोग ध्यान से देखें, अगर मैं ये वी एस की लाइन बना दूं तो ये एंगल हुआ फाई एस अब जरा देखना यहां आपको दिख रहा है कि फाई एस इज लेस देन फाई आर यानी सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर बड़ा आ रहा है रिसीविंग एंड के पावर फैक्टर से तो हम क्या कह सकते हैं अच्छा एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सुनना चाहोगे जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी ध्यान से सुनोगे तो बताऊंगा ठीक है बहुत ध्यान से सुनोगे तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा छोटी सी बात है लेकिन उसके लिए आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा तभी वो बात समझ में आएगी बताओ सुनना चाहोगे एक अच्छा कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा एक बहुत बढ़िया अच्छा इससे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊं आप लोग मुझे बताओ रियल पावर कहां किस डायरेक्शन में फ्लो करती है ये कैसे मालूम चलता है इन विच डायरेक्शन डज द रियल पावर फ्लो इन विच डायरेक्शन ठीक है किस डायरेक्शन में रियल पावर फ्लो करती है जल्दी बताओ इन विच डायरेक्शन डज द रियल पावर फ्लो अरे आंसर तो दो मेरे भाई तब तो मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी 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 बताओ किस डायरेक्शन में रियल पावर फ्लो करती है ये कैसे मालूम चलता है एक आध बच्चे को तो मेरे बैच के अंदर मालूम होगा मुझे पता है सक्षम बैच वाले काफी इंटेलिजेंट है सही आंसर देंगे लैगिंग टू लीडिंग नहीं हायर पावर फैक्टर टू लोअर नहीं कहाँ से ये सब पढ़ रखा है मेरे भाई अरे सोर्स से लोड तो जाएगी मेरे भाई पता कैसे चलता है दो बसेस के बीच में किसधर जाएगी शाहनवाज ने बहुत अच्छा आंसर दिया है हायर एंगल टू लोअर एंगल आप लोग हमेशा कहते हो रियल पावर फ्लोज फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल ऐसा आप लोग हमेशा कहते हो इट फ्लोज फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल वोल्टेज मैग्नीट्यूड नहीं एंगल से देखते हो अब देखो इन जनरल अगर बात की जाए आपकी रियल पावर कहां जाएगी सेंडिंग से रिसीविंग सेंडिंग से रिसीविंग जाएगी ना मानते हो सब लोग सेंडिंग से रिसीविंग जाएगी रियल पावर यहां देखो सेंडिंग का एंगल छोटा है फिर भी पावर जाएगी सेंडिंग से रिसीविंग यानी जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा है दैट रियल पावर गोज फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल दैट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट दोबारा समझना रियल पावर जाएगी सेंडिंग से रिसीविंग और इस फेजर में देखो तो सेंडिंग का एंगल रिसीविंग वाली वोल्टेज से छोटा है फिर भी पावर जाएगी सेंडिंग से रिसीविंग सेंडिंग से रिसीविंग और इससे आपको यह मालूम चला कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि हायर एंगल से लोअर एंगल वो बात गलत है देखो यहां भी सेंडिंग से रिसीविंग जा रही है सेंडिंग का एंगल ज्यादा है लेकिन यहां भी सेंडिंग से रिसीविंग जा रही है जबकि सेंडिंग का एंगल कम है तो रियल पावर हायर एंगल से लोअर एंगल भी जा सकती है और लोअर एंगल से हायर एंगल भी जा सकती है ठीक है और जब पावर का फॉर्मूला डिराइव करूंगा ना तो ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि पावर कैन गो फ्रॉम लोअर एंगल टू हायर एंगल तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना बस हायर एंगल से लोअर एंगल वो तब होता है जब लाइन में कोई रेजिस्टेंस ना हो यानी वो किसके लिए होता है लॉसलेस लाइन के लिए वो हमेशा डिफाइंड है लॉसलेस लाइन के लिए अगर लाइन में रेजिस्टेंस हुआ तो पावर का फ्लो हायर से लोअर भी हो सकता है और लोअर से हायर भी हो सकता है इट कैन गो इन बोथ द डायरेक्शन ठीक है सो दैट कॉन्सेप्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ लॉसलेस लाइन पावर में और इस पर डिस्कस करेंगे बट जो बच्चे पहले पढ़े हैं दे वुड हैव अंडरस्टूड पॉइंट और मेरे भाई अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है बस ये बात दिमाग में बिठा लो कि पावर फ्रॉम हायर टू लोअर एंगल ये सिर्फ लॉसलेस लाइन के लिए ही डिफाइंड है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं और जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें समझ आ गया होगा उनका मिसकंसेप्शन मैंने क्लियर किया है अब देखो अब आते हैं अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन पे अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन पे इसके लिए जो है ना मैं पहले फेजर डायग्राम बनाता हूं ये ट्रांसफॉर्मर वाला ही कॉन्सेप्ट है सेम और मैं आपको इसकी लिमिटेशन भी बताऊंगा देखो अब की बार रेफरेंस लिया है वी और ये लैगिंग करंट आ गया आई आर कितने ना इसीलिए मेरे भाई हम लोग लैगिंग के लिए ही डिराइव करते हैं लैगिंग के लिए ही डिराइव करते हैं ठीक है निकिता पावर में लिखवाऊंगा ये वाला पॉइंट अभी घबराओ मत अभी बस आप लोगों को समझाने के लिए समझाया जब ये टॉपिक आएगा तो वील डिस्कस अब देखो करंट के सेम फेज में आएगा आई आर इंटू आर ठीक है तो ये आएगा आई आर इंटू एक्स ये आएगा वीएस वी एस वीएस और वी आर के बीच का एंगल होता है डेल्टा वी एस और वी आर के बीच का एंगल होता है डेल्टा अब देखो मेरे भाई इस को ना मैंने रेफरेंस को आगे एक्सटेंड कर लिया अब मैं कहता हूं मुझे वीएस और वी आर के मैग्नीट्यूड से ही तो मतलब चाहिए मुझे वीएस और वी आर के मैग्नीट्यूड से मतलब है अगर वीएस और वी आर के सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो आप क्या करो कंपास के अंदर ओ पे एक कंपास का पॉइंटर रखो और उसमें रेडियस भर लो वी एस के बराबर आप कंपास में रेडियस भर लो वी एस के बराबर ठीक है वी एस के बराबर और आप ना यहां से एक आर्क बना दो ऐसे एक आर्क बना दो ठीक है मेरे भाई ये आर्क बना दी ये आर्क का रेडियस क्या है वीएस तो आपका ये वाला जो पॉइंट होगा ना ये भी एक्स ही होगा इसकी लेंथ भी कितनी होगी वी एस समझ आया ओ एक्स है अगर ये डिस्टेंस तो ये भी ओ एक्स है आर्क ड्रॉ की है अब देखो मैं इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ठीक है ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया अब मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं बी सी फिर ये डी और ई बी सी डी ई ठीक है अब ध्यान देना यह वाला एंगल होगा फाइ आर इसीलिए ये वाला एंगल भी होता है फाइ आर आप कहोगे सर कैसे दो लाइंस के बीच का बेटा जो एंगल होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स में भी होता है तो आर वाली लाइन पे परपेंडिकुलर एक्स वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर वर्टिकल फिर से सुनो आर वाली लाइन पे परपेंडिकुलर एक्स वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल और आर में जो एंगल आएगा वही एंगल वर्टिकल और एक्स में भी आएगा ठीक है तो ये एंगल जो बचेगा दिस इज नाइनटी माइनस फाइव आर अब देखो यहां बहुत सिंपल सा फंडा है कि ओ एक्स इज ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक्स यही होगा ना अब ओ ए तो आपको दिख रहा है मेरे भाई ओ एक्स तो वी एस है ओ ए आपको पता है वी आर है अब यहां देखना ए बी कितना है ये ट्राइंगल देखो ए बी डी ए बी कितना है ए बी कितना है ए बी एज आई आर इन आर कॉस आई आर ए बी डी ट्राइंगल का ये बेस है ए बी डी ट्राइंगल का ये बेस है तो आई आर इन टू आर कॉस आई ऑफ एंगल अब यहां मुझे बी सी चाहिए बी सी चाहिए ये जो बी सी है यही डी ई है ये जो बी सी है यही डी ई है तो ये वाला ट्राइंगल देखो डी ई एक्स डी ई एक्स इसका हाइपोटेनस है आई आर इंटू एक्स इसका बेस चाहिए इसका बेस चाहिए हाइपोटेनस से अगर बेस निकालोगे तो आई आर एक्स कॉस कॉस से निकलेगा ना लेकिन एंगल कितना है नाइनटी माइनस फाइवर और लास्ट क्या बच गया सी एक्स सी एक्स ठीक है जिन बच्चों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है उन्हें ये बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि सेम डेरिवेशन वहां किया जाता है ठीक है अब लेकिन मैं इसका लिमिटेशन बताता हूं आपको ये जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन है ठीक है अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन है अब ये ध्यान दो ये लाइन है वी और मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए हॉरिजोंटल एक्सेस पे देखो ये वी वाले फेजर का हॉरीजोंटल कंपोनेंट ओ तो है ध्यान दो ये जो वी एस वाली लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है ओसी ओ सी ओ सी इज मॉड वी एस कॉस डेल्टा अब हम क्या कहते हैं फॉर फॉर अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं मेरे भाई कि सी एक्स को मान लेते हैं जीरो सी एक्स को क्या मान लेते हैं जीरो सीएक्स को जीरो मानने का मतलब है ओ सी और ओ एक्स बराबर हो गए ये भी तो सोचो अगर सी एक्स को जीरो मान रहे हो तो ये जो ओ सी डिस्टेंस है और जो ओ एक्स डिस्टेंस है पूरा बराबर ही तो हो गया ओ सी है मॉड वी एस कॉस डेल्टा और ओ एक्स है मॉड वी एस यानी कॉस डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली वन या डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली जीरो यानी ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये हमें क्या कहता है कि वी एस और वी आर के बीच का एंगल अगर बहुत छोटा होगा तब ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है अगर वी एस और वी आर के बीच का बेटा एंगल छोटा होगा देन यू कैन अप्लाई दिस अप्रोक्सीमेशन और उस केस में आपका मॉड वी एस माइनस मॉड वी आर हो जाएगा ठीक है तो मैं तो देखो आपको यही एडवाइस करूंगा जितना इस अप्रोक्सीमेशन से बच पाओ उतना बेटर है जितना बच पाओ उतना बेटर है एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए ट्राई करना ठीक है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गई अब ये जो आई आर बाय वी आर बनता है ना वी बाय आई को हम मान लेते हैं z बेस पर यूनिट सिस्टम वाला z बेस मैंने मशीन के अंदर पर यूनिट सिस्टम भी कवर किया हुआ है देख सकते हो तो ये हो जाता है r पर यूनिट कॉस फाइयर प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइर ठीक है r पर यूनिट कैसे हो गया क्योंकि वी बाय आई हो गया z बेस आर बाय जेड बेस आर पर यूनिट एक्स बाय बेस एक्स पर यूनिट ठीक है आर बाय जेड बेस आर पर यूनिट एक्स Z बेस एक्स पर यूनिट ठीक है यह बात क्लियर हुई और फॉर लीडिंग पावर फैक्टर यूज माइनस फाइ आर ये तो आप जानते ही हो यूज माइनस फाइ आर ठीक है अब निकिता का ये डाउट है कि फेजर इंपॉर्टेंट है क्या मेरे भाई एक चीज जान लो सभी लोग सभी लोग ध्यान दें इस बात पे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको फेजर बनाना नहीं आता माने आपने इलेक्ट्रिकल ढंग से कवर ही नहीं किया है क्योंकि फेजर इतनी जगह आता है मशीन पावर सिस्टम ठीक है नेटवर्क इतनी जगह फेजर पढ़ते हो और अगर फेजर पे कमांड नहीं है बल्कि जो फेजर आज हमने बनाया देवर वेरी वेरी सिंपल सिर्फ एक आर सर्किट का फेजर बनाया है तो उतना तो बेटा आपको कमांड आना भी चाहिए अगर ऐसे भागोगे ना इतने बेसिक चीजों से एसी एनालिसिस जो है ना बैकबोन है आपके कोर सब्जेक्ट्स की अगर एसी एनालिसिस से भागोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला बहुत मुश्किल हो जाएगा नेटवर्क एकदम जो है ना एकदम नेटवर्क पकड़ में आना चाहिए नेटवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसी को भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर करना है कुछ हो ही नहीं सकता कुछ भी नहीं हो सकता नेटवर्क से ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट और नेटवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अब मुझे बताओ यहां तक समझ आया सब लोगों को यहां तक सभी लोगों को समझ आया कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है अप्रोक्सीमेशन किस कंडीशन में वैलिड है जब डेल्टा बहुत छोटा होगा देन ओनली इट इज वैलिड देन ओनली इट इज वैलिड ठीक है मेरे भाई याद कुछ नहीं रखना है एक शॉर्ट लाइन के अंदर सिंपल सा सर्किट है आर एक्स वाला और मैंने हर जगह कौन सी इक्वेशन लगाई है देखो मैंने आपके लिए हर जगह ये वाली इक्वेशन लगाई है है ना ये दिख रहा है यही वाली इक्वेशन लगाइए ना इतना अगर पता ये दो इक्वेशन मोर देन एनफ एनफ है more than enough है मोर देन ये दो इक्वेशन शॉर्ट लाइन के अंदर और ये पैरामीटर्स बस ठीक है आज तो मैंने आपको फेजर वगैरह बना के दिखाया यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस ठीक है this, this, और देखो अमित मेरे भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा अब गेट से पहले तो नहीं आएगा किसी हालत में नहीं आएगा गेट से पहले लेकिन मेरे भाई अगर इतना भाग रहे हो ना कि इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा आई डोंट से कि हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन मेरे भाई अगर इंग्लिश इतना भी समझ नहीं आता कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीख पाओ तो मुझे बताओ लाइफ में किसी इंटरव्यू को कैसे क्रैक करोगे सोचने वाली बात है हाउ विल यू क्रैक इट ठीक है चलो तो भाई आज के लिए इतना ही शॉर्ट लाइन हमारी खत्म हो गई है और जैसा मैंने बताया अगर मेरी और क्लासेस देखनी है इवन पावर सिस्टम जल्दी कवर करना है तो मेरे काफी सारे लेक्चर आपको इस यू आर एल पे मिल जाएंगे यहां पावर सिस्टम के अंदर काफी कंटेंट है ठीक है और मैं और मैं डेली डेली और बजे पावर पावर सिस्टम सिस्टम के लगवा लग रहा हूं तो तो अगर तैयार है पहले से तो आप आके मेरे साथ प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो और देखो इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट आपके प्रेजेंट हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में लाइक इंग्लिश एंड हिंदी मैथ्स डिजिटल मशीन एप्टी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ईडीसी कॉम सिंक्रोनस, टवर्क एंड सेंसर ई एम एफ टी इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों का इस चैनल पे प्रेजेंट है और देखो मेरे भाई जैसा मैंने बताया आपको अगर प्लस पे आना है अन अकेडमी प्लस पे आना है मेरे भाई तो प्लस पे ट्वेल्व मंथ्स का कॉस्ट पड़ेगा आपको ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फाइव बस कोड याद रखना अंकित ई एस सी अंकित ई एस सी मेरा आपका हम सबका कोड है और अब तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आ गया है जिससे आप गेट 2021-22 ट्वेंटी ट्वेंटी 22 क्रैक कर सकते हो इसका पड़ेगा 34650 सिर्फ 7000 के गैप में मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE। और फिर 24 मंथ्स में अगर 5000 और पे करते हो तो छह महीने और एक्स्ट्रा मिलेगा ट्वेंटी फोर मंथस ठीक है और इसकी कॉस्ट बस पड़ेगी आपकी वन पर मंथ सोलह सौ रुपए और डिस्काउंट लगा के तो और कम पड़ेगी सौ रुपए पड़ जाएगी पंद्रह सौ रुपए पर मंथ में आप दो साल तैयारी कर सकते हो और देखो के लिए जाते है जो कि प्लस का बड़ा भाई है, जिसमें कि है, को, सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी तो उसका ट्वेल्व मंथ का प्लान पड़ेगा फोर्टी फाइव हंड्रेड यूजिंग द कोड अंकित एस और ट्वेंटी फोर मंथ का प्लान पड़ेगा फिफ्टी फोर थाउजेंड यूजिंग द कोड अंकित एस सी अंकित ईएसई ठीक है और लेक्चर के पीडीएफ आपको पता है कहां मिलेंगे लेक्चर के पीडीएफ आपको मिलेंगे मेरे बिटली वाले लिंक पे कौन सा है बिटली वाला लिंक मैंने लेक्चर के शुरू में भी बताया था bit.ly/gatelive यहां जाओ सारे पीडीएफ सारे लिंक मिल जाएंगे मेरे भाई ठीक है अब मैं टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा मैं यहीं पे अपलोड करूंगा और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है ऐप डाउनलोड करो मुझे फॉलो करो और लाइव क्विज़स अटेंड करो लाइव क्विजेस के साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी अटेंड करो ठीक है और ये मेरा भाई टेलीग्राम चैनल है गेट ए आई आर वन गेट ए आई आर वन इस पर आपको सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन आते रहेंगे जुड़े रहो कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और ये हमारे अदर चैनल है अभी मैं साढ़े आठ बजे इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे ओपैम्प के पैरामीटर्स कवर करने वाला हूं पाठशाला पे हम डालते हैं एनिमेटेड वीडियो गेट क्वेश्चन पे पीवाई के सोल्यूशन आते हैं वीडियो सोल्यूशन आते हैं Creatrix पे तो आपका कंप्लीट सिलेबस प्रेजेंट ही है तेलुगु अगर आप तेलुगु लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो तेलुगु को फॉलो करें ठीक है और मेरे भाई गेट से पहले क्रैश कोर्स खत्म नहीं होता तो क्रैश कोर्स चालू ही क्यों करते खबर किया जाएगा टेंशन का ले रहे हो धीरे धीरे वो वीक डेज में भी आ जाएगा ठीक है ना चलो तो थैंक यू एवरीबडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना लाइक जरूर करना वीडियो को और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना क्रिएटिक्स चैनल को क्योंकि यहां पे आपके लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट अपलोड किया जा रहा है थैंक यू एवरीबडी सी यू एट एट थर्टी ऑन इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल थैंक यू